Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friends, today's video is all about my January garden overview 2022. और friends, साल का पहला garden overview है और अभी इधर लखनऊ में बहुत तेज़ बारिश हो रही है friends, दो तीन दिन से ही. लेकिन मैंने सोचा चलो मैं बारिश के बाद अब थोड़ा सा बारिश रुकी है तो आप लोग के लिए एक garden overview share किया जाए. तो friends, flowers तो इतने सारे खिले थे friends, लेकिन बारिश होने की वजह से बहुत सारे flowers जो है वो झड़ गए, कुछ थोड़े से गिर गए. क्योंकि जब फ्लावर्स फ्रेंड्स बहुत सारे निकले हो और बारिश बहुत तेज हो रही हो तो फ्रेंड्स थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो जाती है. तो शुरुआत ये बहुत ही खूबसूरत से फ्रेंड रोजेस से, और रोजेस से तो फ्रेंड्स मेरा पूरा गार्डन इस समय भरा पड़ा है. मैं आगे भी आपको बहुत सारे रोजेस दिखाऊंगी फ्रेंड. ये देखिए, एक ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर खिला हुआ है आज. और फ्रेंड इस प्लांट में तो काफी सारे फ्लावर्स चार पांच एक साथ ही निकले थे फ्रेंड्स एक ब्रांच पे. आज फिलहाल के लिए फ्रेंड ये एक फ्लावर खिला है. बहुत सारे फ्रेंड्स फ्लावर बारिश होने की वजह से उसकी जो पेटल्स थी ना वो गिर गई. ये देखिए कितना बड़ा सा साइज फ्रेंड्स, आप देखिए कितना बड़ा सा, और शेड देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत सा ये लग रहा है. इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मेरा रोज़ प्लांट है ये है फ्रेंड्स क्रीपिंग रोज़. और इसका फ्लावर फ्रेंड्स देखिए कितना ज़्यादा प्रिटी सा लग रहा है. ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फ्रेंड्स. इसका शेड जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा है. मैं आपको और भी दिखा देती हूँ. बहुत सारे फ्रेंड्स फ्लावर्स लगे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ना. आप लोग के इधर भी फ्रेंड्स, आपके भी गार्डन में जितने भी फ्लावर्स लगे होंगे वो थोड़े से जब तेज़ बारिश होती है ना वो फिर पेटल्स वगैरह जो होती हैं वो झड़ भी जाती हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत से ये भी फ्लावर्स लग रहे हैं. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट भी ये रोज़ खिला हुआ है फ्रेंड्स. ये देखिए अभी इसका साइज़ फ्रेंड और थोड़ा सा बड़ा सा होगा. और फ्रेंड्स सारे ही फ्लावर्स को मैं पकड़ पकड़ के दिखा रही हूँ क्योंकि सबका वेट इतना ज़्यादा हो गया कि ये सब लटक से गए हैं नीचे को. तो इस वजह से फ्रेंड्स मैंने इनको हाथ से पकड़ के मैं आप लोग को दिखा रही हूँ. आप देखिए कितना खूबसूरत और वाइब्रेंट इसका कलर है. बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स ये प्रिटी सा देखने में लग रहा है, देख सकते हो आप. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रोज़ प्लांट है फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत सा ये बेबी पिंक कलर का रोज़ प्लांट है. और फ्रेंड्स ये पूरा पॉट सहित आप अगर इसको देखते ना फ्रेंड्स, ये पूरा जैसे एक आप गुलदस्ता नहीं होता उस तरीके से फ्रेंड लग रहा था. अभी बारिश से पहले बहुत सारे फ्लावर्स इसमें खिले हुए थे फ्रेंड्स, ये देखिए. और अभी भी जो कुछ फ्लावर खिल रहे हैं वो भी आप देख सकते हो. ये देखिए बहुत सारे बंचेस में इसमें फ्लावर्स निकल रहे थे फ्रेंड्स. आप लोग को यही लग रहा होगा बहुत सारे रोजेस के लिए, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को. और ये देखिए फ्रेंड्स इस रोज़ का साइज़ आप देखो कितना ज़्यादा बड़ा सा है फ्रेंड. रोज़ेस तो बहुत बहुत खिले हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है मैं आप लोगों के साथ अपने जो मेरा रोज़ कलेक्शन है वो शेयर करूं. अभी भी फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग हो चुकी है. अब दूसरा जो उनका फ्लावरिंग के लिए जो बर्ड्स वगैरह है वो तैयार हो रही हैं. ये जस्ट बगल में फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये बटन रोज़ का प्लांट है. और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स कितने सारे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स. सब आप देखो सब झुक गई हैं, सबकी जो ब्रांचेज हैं वो सब झुकी हुई हैं. और ये देखिए फ्रेंड्स और सारी ये बर्ड्स वगैरह लगी हुई हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स. बहुत खूबसूरत फ्रेंड रोज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो देखने में लगते हैं. ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा ये रोज़ लग रहा था. और फ्रेंड ये नेक्स्ट भी आप बटन रोज़ देख रहे हो. इसका जो फ्रेंड शेप है फ्लावर का वो थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है. बारिश हो गई है तो और ये फ्रेंड्स खुलेंगे नहीं क्योंकि इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा, हर फ्लावर को होती है जब उनको खिलना होता है. और अब ये देखिए इनकी पेटल्स वगैरह सब अंदर को नहीं, तो बहुत खूबसूरत सा इसका भी जो शेप है फ्लावर का वो बहुत ही प्यारा सा लगता है. ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स कितनी सारी इसमें भी बर्ड्स लगी हुई. फिर फ्रेंड नेक्स्ट ये मेरा कश्मीरी गुलाब है. और फ्रेंड आप इसकी कंडीशन देखिए, बारिश के बाद तो ये बिल्कुल ही कितनी सारी इसकी पत्तियां एकदम थोड़ी सी अजीब सी हो गई हैं. और फ्लावर से फ्रेंड ये भी भरा था, ये देखिए कितने बड़े बड़े से फ्रेंड्स ये फ्लावर्स के साइज़ हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स. और इसके बाद भी फ्रेंड नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेंड्स रोज़ प्लांट. आप इसका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत से डार्क मरून कलर का है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स खूबसूरत सा ये लग रहा है, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स. और ये देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स वगैरह आ रही हैं. फ्लावर्स तो फ्रेंड्स डेली ही खिलते रहते हैं, बहुत सारे जो रोज़ के प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिला करते हैं. और फ्रेंड्स ये देखिए इन्हें मैंने अभी रिसेंट में ऐड किया अपने गार्डन में. और फ्रेंड्स ये वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड ये फ्लावर खिल रहा है. और वाइट कलर का रोज़ फ्लावर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है. और ये फ्रेंड नेक्स्ट ये सारे मैंने जो अभी रिसेंट में इंक्लूड किए हैं वो हैं प्लांट हैं. ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी फ्लावरिंग कितनी अच्छे से हो रही है,
ये देखिए फ्रेंड्स, ये डार्क ऑरेंज कलर का शेड है, बहुत ही खूबसूरत से ये भी प्लांट्स थे फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा मैं और अपने रोज़ गार्डन को बढ़ा लूँ। और आप देखिए कितने सारे ये खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स मेरे इन प्लांट्स में लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ये देखिए, ये है टाइगर रोज़ जो मैंने अभी रिसेंट में ख़रीदा है फ्रेंड्स, वो है ये। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। ऑल दो बारिश जो है वो हो तो गई है ज़रूर, लेकिन फ्लावर्स के लिए तो नहीं अच्छी। अभी मैं आगे आपको अपने जो मेरे मैरी गोल्ड और जाफरी के प्लांट्स हैं उनको भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। बहुत खूबसूरती से उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं ऊपर से वो थोड़े से ख़राब से हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा ये भी शेड लग रहा है गुलाब का। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये पॉइंसेटिया का प्लांट है फ्रेंड्स। सारी ही इसकी जो लीव्स हैं वो सब ही आप देखिए ऑलमोस्ट रेड सी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये खूबसूरत सा लग रहा है। ऑल दो इसकी पत्तियां जो फ्रेंड्स हैं थोड़ी सी गंदी सी दिख रही हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो अब टेरिस पे रखा हुआ है तो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह इस पर पड़ गई है। तो फ्रेंड्स मैंने डायरेक्टली इनको, अब आप पानी तो डाल नहीं सकते इसके फोलियज पर दोबारा क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये देखने में खूबसूरत सा लग रहा है। और फ्रेंड्स अगेन ये देखिए रोज़ कितने सारे ये फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। बहुत सारा जो रोज़ प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरती से मेरे यहाँ पे हो रही है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आप देखिए ये कितना खूबसूरत सा गजेनिया के फ्रेंड्स प्लांट्स हैं। इनके भी फ्लावर्स फ्रेंड्स खिलने के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इनको आप फुल सनलाइट में रखिए। रखा तो ज़रूर है टेरिस पर, लेकिन फ्रेंड्स जब बारिश हो रही है तो कहाँ से सनलाइट इनको मिलेगी। थोड़ी बहुत बादल जो हैं वो आ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी सनलाइट मिल पा रही तो उससे ये थोड़े से खिल गए हैं। ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, ये भी शेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड गजेनिया भी बहुत ही खूबसूरत सा एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, और अगर आप इसे अभी इंक्लूड करना चाह रहे हो तो ज़रूर ला के लगा दीजिए। ये देखिए सारे ही फ्लावर्स प्लांट खिल नहीं पा रहे क्योंकि इनको जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खिलने के लिए, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट्स है। इनको सूरज की जो रोशनी होती है या लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स ये मेरे पिटूनिया के प्लांट्स हैं, और इनमें भी देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये वाइट कलर का शेड कितना ज़्यादा फ्रेंड्स खूबसूरत सा लग रहा है, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स लग रहे हैं, और फ्रेंड्स मैंने पिटूनिया को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स जितने में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं फ्रेंड्स सारे प्लांट्स करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो मैं सीडलिंग्स लेके आई थी वो वाले पिटूनिया के प्लांट्स, जिन्हें मैंने थाली वाले पॉट्स में मिक्स करके दो दो प्लांट्स लगा दिए थे। ये देखिए दो कलर के एक ही पॉट में ये जो थाली वाले पॉट हैं उसमें खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत से फ्रेंड्स ये भी देखने में लग रहे हैं। और पिटूनिया को ज़रूर लगाइए, एक विंटर का बहुत ही अच्छा सा ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके बाद फ्रेंड डैंथस में भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्लावर्स फ्रेंड्स एकदम से वो हो गए ना, जो चिपक चिपक गए लीव्स में, अब उनको भी मुझे हटाना है। और आप देखिए कितने सारे ये फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये मेरे डैंथस के प्लांट्स हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है अभी भी फ्रेंड्स। बहुत सारे और भी डैंथस के मैंने प्लांट्स को इंक्लूड किया था, सभी नहीं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये भी कितने अच्छे से इनमें फ्लावरिंग, जो जो एक साथ रखे हुए हैं फ्रेंड्स वही सारे मैं दिखा रही हूँ। कुछ मैंने वाइट भी लगाए हुए थे, वो भी मेरे पास लगे हुए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट किसी और ओवरव्यू में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्रेंड। ये भी एक डैंथस का शेड है, और आप लोग भी देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ये इसके जो फ्लावर्स हैं वो लग रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये हैं वर्बीना के प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट से लगते हैं और बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स फ्लावरिंग करती हैं। ये देखिए इनके प्लांट्स में फ्लावरिंग जो होती है वो ऑन ऑफ करके होती ही रहती है, और आपको बहुत अच्छे से ये फ्लावर्स देता है। पूरा अप्रैल तक आपके यहाँ इसमें फ्लावर्स खिले ही रहेंगे। और ये फ्रेंड दूसरा शेड देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फ्रेंड्स ये भी शेड देखने में लग रहा है, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ये फ्लावर्स इसमें भी खिले हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरे यहाँ जो इम्पेशन मैंने सीडलिंग से लगाए हैं फ्रेंड्स वो हैं, इनमें भी देखिए फ्रेंड्स फ्लावरिंग कितनी अच्छे से हो रही है, ये देख सकते हो आप फ्रेंड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये भी शेड देखने में लग रहा है, ये रेड कलर के हैं, और इसमें मैंने फ्रेंड्स दो प्लांट लगाए थे, दोनों ही रेड कलर के निकले, इस वजह से मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है कैलामोंडेन ऑरेंज के का प्लांट, जिसमें भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रूटिंग कितने अच्छे से हो रही है, बहुत सारे इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये से देख सकते हो फ्रेंड्स। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है, थोड़ा सा रेप्लिका होता है ऑरेंजेस का। ऑल्दो ये ऑरेंजेस
वो नहीं होती जो हम लोग खाते हैं, बहुत जगह पे इसको खाया भी जाता है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसको एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के तरीके से लगाया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आप बोगनवेलिया के मेरे प्लांट्स देख रहे होगे जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से ये शेड्स खिले हुए हैं मेरे प्लांट्स में, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और भी बोगनवेलिया के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स मेरे पास, ये जो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतने सारे ही आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स। जब इनके फ्लावर्स हट जाएंगे तो फिर मैं इनकी थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी, क्योंकि प्लांट्स की जो वो हैं स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रही हैं। ये भी फ्रेंड देखिए शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा ये भी बोगनवेलिया का शेड है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं जो आपको प्लांट दिखाने जा रही हूँ वो है मैरी गोल्ड के प्लांट्स, जो कि फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुली मेरे यहाँ इस समय वर्कआउट हो रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से फ्रेंड्स इसमें से जो कुछ फ्लावर्स थे जो पुराने थे, ऑल्दो मैंने हटा ज़रूर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको भी सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो थोड़ी कंडीशन लग रही है ख़राब, लेकिन फिर भी मुझे तो अभी फिलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ अगर धूप निकल आएगी तो ये फिर से बहुत अच्छे से देखने में लगेंगे। और जो पुराने फ्लावर्स थे उनको मैंने हटा दिया, तो थोड़ा सा अपने जो प्लांट हैं वो ठीक लग रहे हैं देखने में। और आप देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड ये सब 4-4 इंचेस के पॉट में लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली ये वर्कआउट हो रहा है मेरे यहाँ, ये देखिए फ्रेंड ये कुछ फ्लावर हैं जिनमें पानी एकदम भर सा गया है। और जो पुराने होंगे फ्रेंड्स उनको मैं हटा दूंगी। ये जाफरी के प्लांट्स को आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत से फ्रेंड ये देखने में लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैरी गोल्ड के प्लांट को आप ज़रूर इंक्लूड करिए, बहुत अच्छे से बिना किसी फ्रेंड्स ज़्यादा केयर के बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ और मैरी गोल्ड के प्लांट्स हैं, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स ये फ़िलहाल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ कि बारिश अब और ना हो, थोड़ी धूप निकल आए, तो फ्रेंड्स आज थोड़ा सा खुल रहा है मौसम, अब बादल आ जा रहे हैं तो मे बी धूप निकल ही आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का गार्डन ओवरव्यू पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद आए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप अभी जुड़े हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।